हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू IFS। तो जैसे कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में अभी फॉरेंसिक में पोस्ट निकली है, और उस फॉरेंसिक पोस्ट का जो नेम है दैट इज़ दी असिस्टेंट केमिकल एनालाइजर, जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट्स के अंदर होती है, राइट। तो इसकी पोस्ट 33 पोस्ट आपको निकली है, और हो सकता है कि आगे चल के वो पोस्ट डबल हो जाए, क्योंकि जो एक दो तीन साल पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ऐसे ही 33 पोस्ट निकाली गई थी, और लास्ट टाइम में वो पोस्ट डायरेक्ट 85 कर दी गई थी। तो यहाँ पे भी आपकी नंबर ऑफ पोस्ट तो बढ़ने ही वाली है, बट सबसे बड़ा चीज़ ये आ जाती है कि सर, हमेशा आप बता तो देते हो कि पोस्ट आई, बट इसका पेपर पैटर्न कैसा है और सिलेबस एनालिसिस कैसा है, किस टाइप का सिलेबस इसमें पूछा जाता है, कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। तो चलो इसमें हम बात करेंगे पहले पेपर एनालिसिस के बारे में, कि आपको कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। धीरे धीरे हम सारे पॉइंट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया उस पर भी हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो चलो चलते हैं, तो बात हो जाएगी हमारी अभी सबसे पहले सिलेबस के बारे में, क्योंकि चलो हमने जो वीडियो आपको डालते जा रहे हैं वो उसमें हर चीज़ में आपको इजी करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेपर पैटर्न क्या होगा, पेपर एनालिसिस क्या होगा, कट ऑफ एनालिसिस क्या होगा, उसके बाद किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सब हम देखेंगे, ठीक है। बट इसमें हम बात करेंगे एनालिसिस के बारे में। तो इस सिलेबस को हमने डिवाइड किया है 4 पार्ट के अंदर। पहला पार्ट है आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, सेकंड पार्ट है एनालिटिकल टेक्निक इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल टेक्निक ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एनालिटिकल टेक्निक ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में जो टेक्निक्स होती है, ब्लड टेस्टिंग की है, एंजाइम्स की है, वो सारे इनको 4 पार्ट के अंदर हमने सिलेबस को डिवाइड किया। तो चलो हम इसको डिटेल में बात करेंगे। तो पहला जो पोर्शन आपको दिया गया है, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन यूनिट, मोल, मोलालिटी और मोलारिटी इक्विवेलेंट, ये आपको पहला पोर्शन दिया गया है। वेट, नॉर्मलिटी, ppm, मिल इक्विवेलेंट, राइट। के बाद डेफिनेशन ऑफ द इन टर्म्स, यानी डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, इस पर आप ज़रूर इस सिलेबस को करें। एक्यूरेसी, एब्सोल्यूट एरर, टाइप्स ऑफ एरर, स्टूडेंट टी टेस्ट, कॉन्फिडेंस लिमिट और क्राइटेरिया, ये सारे आपको टॉपिक दिए गए हैं। नेक्स्ट है टाइट्रेशन, एसिड बेस, रिडॉक्स, प्रिसिपिटेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्री, इंडिकेटर, थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर्स, मेटल आयंस इंडिकेटर, नॉन एक्वियस टाइट्रेशन, ये सारे आपके सिलेबस में दिए गए। ये आप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको दिए गए। 4 पार्ट में हमने किया है। पहला पार्ट है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसमें आपको दिए ग्रामेटिक एनालिसिस, यानी यहाँ पे आप वेटिंग वेट के बारे में बात हो रही है, प्रिपरेशन ऑफ सैंपल ऑफ सैंपल सॉल्यूशंस, प्रेसिपिटेशन, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, रोल ऑफ ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेट इन द ग्रामेटिक एनालिसिस, ये पहला पार्ट आपको दिया गया है। बहुत सिंपल सा पार्ट दिया गया है, आपने ये BSc में भी पढ़ा होगा, MSc के अंदर भी आपने इसको पढ़ा होगा, राइट। चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका एनालिटिकल टेक्निक इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एनालिटिकल टेक्निक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक आपको दिए गए हैं, चलो देख लेते हैं। पहला आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, फ्लेम इमिशन, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्कैन इलेक्ट्रॉन्स माइक्रोस्कोपी, राइट, एनर्जी डिस्प्लेस एक्सरे स्पेक्ट्रोमेट्री, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरोसेंस आपको यहाँ पे दिया गया। नेक्स्ट है आपका एनालिटिकल टेक्निक्स सच एज फ्लोरोग्राफी, राइट, उसके बाद वोल्टामेट्री, इलेक्ट्रोग्रामेट्रिक, साइक्लिक वोल्टामेट्री और स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री, ये आपको MSc में, आई थिंक, मुझे लगता है कि MSc के सिलेबस में दिए गए हैं। उसके बाद थर्ड जो आपको दिया गया है, एनालिटिकल टेक्निक इन दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से टेक्निक्स आ जाती है, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी, थ्योरीज अप्लीकेशन इन दी केमिकल एनालाइजर, जैसे UV विजिबल का आपको प्रिंसिपल पढ़ना है, NMR का फिजिबल आपको प्रिंसिपल पढ़ना है, IR का प्रिंसिपल आपको पढ़ के जाना है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट, फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन सब का प्रिंसिपल आपको जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि ये प्रिंसिपल भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट, सेपरेशन टेक्निक, थ्योरीज एंड एप्लीकेशन ऑफ केमिकल एनालाइजर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, पेपर क्रोमेटोग्राफी, TLC। अब क्रोमेटोग्राफी पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए गाइस, बहुत सारे क्वेश्चंस, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखोगे तो क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, HPLC, इन पर बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज पूछे गए हैं। तो TLC, HPTLC, GLC, LC, HPLC, GCMC, ये सब आपके क्रोमेटोग्राफी के, गैस क्रोमेटोग्राफी है,
हाई पोटेंशियल लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, राइट, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी, ये सब आपकी क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स है जिस पर आपको बहुत सारे एक लाइन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड फोर्थ पार्ट है आपका एनालिटिकल टेक्निक ऑफ द बायोकेमिस्ट्री, और बायोकेमिस्ट्री से भी बहुत सारे क्वेश्चंस, अगर आपने बीएससी में अगर थोड़ा बायो पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं बायोकेमिस्ट्री आपने जरूर पढ़ा होगा, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, उस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, राइट। बायोलॉजिकल बफर कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, हाउ टू प्रिपेयर द बायोलॉजिकल बफर, डीएनए, फिंगरप्रिंट, फिंगर और आरएफएल, यहाँ पे आपको दिया है आरसी, पीआरसी, पॉलीमराइज चैन रिएक्शंस, आरटीपीसीआर, आरटीपीसीआर जैसे कोविड के अंदर आपको आरटीपीसीआर लेके जाना पड़ रहा था, एक अगर सिटी से दूसरी सिटी की तरफ अगर जाते हैं या अगर कहीं बाहर कंट्री के अंदर आप जाते हो तो आपके पास आरटीपीसी जरूर होना, यानी रिवर्स ट्रांसलेशन पॉलीमराइज चैन रिएक्शंस, है ना। उसके बाद आरआईए, रेडियो इम्यून्स, ये आपको दिए गए हैं, ये टेक्निक, सारी टेक्निक्स आपको पढ़नी है, बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हो अगर आप बायोकेमिस्ट्री आपने पढ़ा, और एसी सर भी आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे इसके अंदर बायोकेमिस्ट्री पढ़ने के अंदर। सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एफिनिटी ऑफ क्रोमेटोग्राफी, मॉलिकुलर एक्सट्रैक्शंस, क्रोमेटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशंस, वन डायमेंशंस, पी ए जी ई, टू डायमेंशन इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइसोइलेक्ट्रिक फोरेसिस, ये सब आपको दिए गए गाइस, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट। तो आप ज़रूर इनको पढ़ने की कोशिश करें। आइसोटोप, ट्रेस टेक्निक्स, इंजाइम्स, इंजाइम्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो आप केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ते हो इंजाइम्स, राइट। क्लासिफिकेशन, आइसो इंजाइम्स, डीएनए पॉलीमराइज इंजाइम्स और ब्लड ग्रुप टेस्ट। तो एक जैसे अगर ब्लड ग्रुप में आप ए कैसे निकालते हो, आप बी पॉजिटिव कैसे निकालते हो, है ना, ए पॉजिटिव आप कैसे निकालते हो, ए बी निगेटिव कैसे होते हैं, ये ब्लड टेस्ट जो होते हैं उस पर भी काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपको पूछे गए हैं। तो ये हमने डिटेल सिलेबस एनालाइज किया है कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे, कहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस है और क्या सिलेबस है आपका, ये हमने देखा, ठीक है। और अगर आपको कुछ और भी डिटेल में चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो, mpsc.gov.in, राइट। तो यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, राइट। और अगर और कुछ भी क्यूरीज है अबाउट दी बुक्स और कौन सी बुक्स से आपको पढ़ना चाहिए तो आप ifsonline.com पे भी जाके देख सकते हो आर्टिकल की इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायोकेमिस्ट्री के बुक्स को, राइट। तो ये हो चुका है आपका टोटल इंट्रोडक्शंस ऑफ सिलेबस, तो आप ज़रूर जाके सिलेबस को देखें और अच्छे से समझें, काफ़ी इजी क्वेश्चंस बनते हैं गाइस, और ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आप ग्रुप बी की पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट आपको दी गई है, थोड़ी सी मेहनत है और आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो हर एग्ज़ाम। तो आप ज़रूर जाके सिलेबस को रीड करें, प्रॉपरली समझें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो भी क्यूरीज आती है तो आप कमेंट में ज़रूर पुट करें। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।